स्थान श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या, समय साल 1998 का एक अघोषित दिन। जब रामनगरी अयोध्या पर मंडराया था आतंकी साया, अयोध्या में बहुत बड़े बम धमाके की साजिश थी। आतंकियों ने हनुमानगढ़ी परिसर में टारगेट पर टाइम बम भी प्लांट कर दिए थे। हजारों राम भक्तों का हुजूम हनुमानगढ़ी परिसर में जमा था और आतंकी धमाके से अयोध्या को दहलाने के फाइनल स्टेज में थे। हालांकि यूपीएसटीएफ को इस आतंकी साजिश का पता चल चुका था और बम डिस्पोजल स्क्वाड तेजी से बमों को डिफ्यूज करता जा रहा था, लेकिन एक टाइम बम का सुराग नहीं मिल पा रहा था और धमाके में महज एक मिनट का वक्त बचा था। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड सबके होश उड़े थे। तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक बंदर ने धमाके से महज 3 सेकंड पहले ही वाटर कूलर में छिपाए गए उस टाइम बम की वायर काट दी और हनुमानगढ़ी दहलने से बच गए। बंदर के रूप में हनुमान जी आए, जब आवाज वो टिक टिक को सुना तो उन्होंने धीरे से तार को डिस्ट्रॉय कर दिया, काट दिया। और ये हनुमानगढ़ी बजरंगबली का ही प्रताप है, क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। आपने देखा होगा सीधे में हम लोग जब पहुंचे, जब तक वो डिस्पोजल हो चुका था उसका। राम भक्तों ने इसे हनुमान जी की कृपा बताया, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी थी। अगर आतंकियों का नापाक मंसूबा जरा भी कामयाब हो जाता तो अयोध्या के साथ साथ सारा हिंदुस्तान दहल जाता। सनातनी आस्था के सबसे बड़े दर पर राम जी की वानर सेना के चमत्कार ने कैसे हजारों राम भक्तों की जान बचाई। अयोध्या के इस चमत्कार से रूबरू होने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी हनुमानगढ़ी पहुंची। अयोध्या के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे वाक्य दर्ज हैं जहां अयोध्या का चमत्कार देखने को मिला, और इसमें कुछ विशेष ऐसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दूत हैं जिन्होंने वक्त बेवक्त अयोध्या की सुरक्षा की है। आज हम हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हैं और कुछ ऐसे ही विशेष चमत्कार आपको बता रहे हैं जहाँ कैसे भगवान श्री राम के इन दूतों ने अयोध्या में होने वाली घटनाओं से पहले ही उन घटनाओं को रोक दिया। बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी हनुमानगढ़ी पर है। हनुमानगढ़ी यानी हनुमान जी का गढ़, और गढ़ इसलिए क्योंकि जब प्रभु राम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि आप विराजित होइए, अयोध्या की सुरक्षा आप करिए। इसलिए आप ये देखिए, ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, भक्तों की भीड़ आपको दिख रही है, लोग जा रहे हैं हनुमान जी के, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आपको यहाँ पर हनुमान जी की वानर सेना भी आपको दिखाई दी जाएगी जो कि यहाँ की सुरक्षा में लगी रहती है। चमत्कारिक कहानियाँ हैं, कहानियां ऐसी जिन पर आप सहसा यकीन ना करें, इसीलिए हमने तय किया कि हनुमानगढ़ी पहुंचे और उन कहानियों को लोगों की जुबानी, यहां के महंत की जुबानी आपको सुनवाएं और बताएं कि किस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा की 1998 में। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब खुद हनुमान जी वानर स्वरूप आकर उन्होंने बम को डिफ्यूज कर दिया। ऐसी एक कहानी ज्योति 98 की है। ये मामूली बंदर है या ये अयोध्या के रक्षक है? क्योंकि 1998 में एक ऐसा वाकया जो सामने आया था जब अयोध्या को बम से दहलाने की साजिश थी, हनुमानगढ़ी में आतंकियों ने बॉम्ब प्लांट किए, और कैसे इन बंदरों ने इन बमों को डिफ्यूज किया, हजारों लाखों राम भक्तों की जान बचाई, ये समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ये चमत्कार हुआ। खुद हनुमानगढ़ी के अंदर जाकर पूरी तो चलिए हम और ज्योति चलते हैं हनुमानगढ़ी के अंदर और बताएंगे कि 1998 में कहां बम जो है प्लांट था जिसके बाद हनुमान जी बानर स्वरूप आकर उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। चलते हैं हनुमानगढ़ी के अंदर। आस्था और चमत्कार की इस कहानी से साक्षात्कार से पहले आपको बता दें कि साल 1998 में उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ एक महीना भी नहीं बीता था कि अयोध्या में आईडीएक्स की खेप पकड़े जाने के बाद आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। तार से तार जोड़े गए, लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स दबा हुआ है। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची, अफरा तफरी मच गई, मंदिर को खाली करा दिया गया। तो उसमें एक टुल्लू पंप में जब उन्होंने उसको देखा, चेक किया, तो उसमें आरडीएक्स निकला, तो लोकल पुलिस थाने वाले सब एकदम, मतलब आरडीएक्स आ गया अयोध्या में, परेशान हो गए। उन्होंने एसटीएफ से, सीनियर अफसरों सबसे संपर्क किया, हम लोग भी यहाँ से एक टीम लेके गए, वहाँ पहुँचे, तब मंदिर की तलाशी ली गई। अच्छा, मंदिर एक ऐसी जगह है, कितनी भीड़ रहती है वहाँ आप जानते हैं जी।
तो वहाँ पे जो पुजारी लोग थे उनको कॉन्फिडेंस में लेके और थोड़ी देर के लिए, जो हकीकत है, थोड़ी देर के लिए पट बंद करा दिए गए थे और भीड़ को रोक दिया गया था। तब UPSTF में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बम डिस्पोजल टीम को लगा कि उसने सारे बम डिफ्यूज कर दिए हैं, लेकिन तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड की यूनिफॉर्म में एक आतंकी पकड़ा गया और पता चला कि एक जगह और है जहां टाइम बम लगा है। जो मिल सकता था वो तो मिला और जो नहीं मिल सकता था वो उसमें टाइम लग रहा था खोजने में। तभी उसमें से एक संदिग्ध आदमी और दिख गया, जब उसको पकड़ा गया तो उसने फिर बताया कि साहब ऐसा ऐसा रखा हुआ है। तो ऊपर गए, ढूंढा, कहीं इधर उधर देखा दाखा, कहीं दिखा नहीं। वक्त बेहद कम था, बम फटने ही वाला था। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी, मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी सबने देखा वाटर कूलर पर बैठा एक बंदर एक तार को चबाए जा रहा था जिससे बम डिफ्यूज हो गया। देखा कि वो तार काट रहा है, वो तार का जब देखा कहाँ जा रहा तो फिर देखा कि एक तार वाटर कूलर से निकल रहा। तो क्योंकि वाटर कूलर से तार निकलने कोई मतलब है नहीं, तो ये हुआ कि यही होगा। तो उसको बंदर को फिर वो वहीं प्रसाद का केला रखा था, वो पे केला डाला गया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। और पुलिस जल्दबाजी करती है तो हमारे एक ऑफिसर ने थोड़ा सा गन निकाल ली तो उसको रोका गया, नहीं यार ये मत करो। थोड़ी देर में जब वो चले गए तो फिर डॉग स्क्वाड, वो बम स्क्वाड साथी था जी, तो उसको बोला भाई वाटर कूलर देखो यार। तो उसने जाके जब चेक किया तो उसने कहा सर ये तो डिफ्यूज हो चुका है पहले। और फिर जब उधर नज़र डाली गई ऊपर तो अंदर हनुमान जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए थे वहाँ। उस दिन एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। एसटीएफ ने चारों दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि और कर्म भूमि पर जब जब संकट आएगा तब तक हनुमान जी अवध की रक्षा करेंगे। यही वो वानर सेना है जो अयोध्या की रक्षक रही है। कैसे वक्त बेवक्त कई बार इन्हीं बंदरों ने हनुमानगढ़ी नहीं पूरे अयोध्या की रक्षा की है, आज हम आपको दिखाएंगे। इसकी कुछ अद्भुत चमत्कारिक घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। और यही वानर सेना का प्रतिनिधित्व ज्योति हनुमान जी करते हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है हनुमान जी के दर्शनों के लिए। अयोध्या की सुरक्षा और उसकी एक वानगी 1998 में देखने को मिली थी, जब 1998 में बम होने की खबर मिली और उस बम को प्लांट किया गया था। और उसके बाद एक जो तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर सामने ये आई थी कि किस तरीके से बम को डिफ्यूज एक बंदर ने किया था तार को खाते हुए। और इसी जो वाटर कूलर आप देख रहे हैं इसमें वो बम लगा हुआ था। महंत जी आ जाइए, और क्योंकि ये पूरा इतिहास क्या रहा, कहानी क्या रही, उससे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बता नहीं सकता। 98 में क्या हुआ था बम को लेकर, इसके अंदर फिट था क्या था, वो ज़रा पूरा विस्तार से बताइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, अष्ट सिद्ध नवनित के दाता अश्वर दिन जानकी माता। हनुमान जी को कोतवाल भी कहते हैं। कोतवाल इसलिए कहते हैं कि रक्षा सुरक्षा राजा ही हैं, चिंता चिंतन तो करना ही इनको पड़ेगा। लेकिन जो 98 की जो घटना है, इसी जगह पर बम टाइम बम सेट था और इस वाटर कूलर के अंदर हम लोग को जो जानकारी अयोध्या केक ने कई घटना पहले शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। यहाँ पर टाइम बम सेट था और बंदर धीरे धीरे जब उसकी आवाज आती है टिक 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 होता ना रामदूत मात जानकी सत्य सपत करुणा निधान की, तो उसी प्रकार से हनुमान जी को जब जानकारी हुई तो आप देखिए इतनी भीड़ है राम भक्तों का। ऐसे कोई अप्रिय घटना हो जाता तो कई हजार राम भक्त हताहत होते। इसके नाते बंदर के रूप में हनुमान जी आए, जब आवाज वो टिक टिक का सुना तो उन्होंने धीरे से तार को डिस्ट्रॉय कर दिया, काट दिया। और उसके बाद उस हुआ एक हुआ कैसे चमत्कार, तो जो LIU और IB के जो पुलिस दस्ता था उसने जब देखा तो एक बंदर दौड़ते हुए निकलते हुए उस झंडा पे पहुंचा। अयोध्या के अति संवेदनशील होने के कारण साल 1998 में घटी एक सत्य घटना आज तक किसी अखबार या न्यूज चैनल में नहीं दिखाई गई। लेकिन चमत्कार से साक्षात्कार के उस पल को याद कर अयोध्या के संत महंत भावुक हो जाते हैं।
और कहती है कि धमाका होने में चंद सेकंड बचे थे, लेकिन श्री राम की वानर सेना ने सबको बचा लिया। इसीलिए तो अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता अश्वर्धन जानकी माता, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता इसीलिए हनुमान जी कहे जाते हैं। जो भी भक्त, जिसकी मानसिकता, जिसकी मनोदशा, जिसकी मनोभाव अगर अच्छा विचार है, अच्छी भाव है, तो उसके साथ अप्रिय घटना और उसके साथ दुर्व्यवहार और उसके लिए किसी भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो सकती, वो हनुमान जी ने करके दिखाया। जब अयोध्या में आतंकवादियों के द्वारा एक बम रख दिया गया था हनुमानगढ़ी के उप शिखर के पास, बम रख दिया गया था और ये चिट्ठी आ गई थी कि हनुमानगढ़ी को हम लोग उड़ा देंगे, सब जगह बात फैल गई, पुलिस के फोर्स पहुंचे, मात्र 6 सेकंड बाकी था कि 6 सेकंड में अगर वो बम विस्फोट हो जाएगा तो पूरी अयोध्या जो है वो हनुमानगढ़ी तहस नहस हो जाएगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब राम नाम का जाप कर रहे थे। एक नौजवान जान की बाजी लगा करके ऊपर चढ़ा और जो ही आगे गया, एक विशाल काय बंदर उस कुकर को हाथ में लेकर के और अपने दांत से जो है उस तार को छिल करके और बहा दिया। 6 सेकंड के बाद यदि घटना घटी होती तो बम विस्फोट हो जाता था, तो 6 सेकंड के अंदर उस बंदर ने तार को नोच करके अलग कर दिया, जिससे बम विस्फोट नहीं हो पाया। अयोध्या से बड़ा खतरा टल चुका था, सबने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर में सारे पुलिस वालों ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। ये बंदर कोई साधारण नहीं है, और भगवान राम जब लंका से आए थे तो उनके साथ बानरी सेना भी आई थी। सबका जगह जगह स्थान बना है, जैसे अंगद टीला, सुग्रीव टीला, हनुमान टीला, जामुन टीला, इस तरह से सब बंदरों का, सब भालुओं का स्थान दिया गया था। ये कोई साधारण बंदर नहीं है और ये सब देवताओं के अंश हैं। ये वो बंदर नहीं, वो हनुमान जी के स्वरूप है। राम द्वारे तुम रखवा रहे, वो नहीं रक्षा करेंगे यहाँ की तो कौन करेगा, इसीलिए। और कुछ किस्से हैं आपको बताए कि कैसे रक्षा कर रहे हैं ये वानर सेना यहाँ पर? यहाँ देखिए बम अभी जल्दी में मिला था, तार उन्होंने काटा, पुलिस टीम आई थी लेकिन देखकर दंग हो गई, वो नहीं काट पाए। बजरंग बली की कृपा थी, वो अपने का स्वरूप लेकर यहाँ आए, सबकी रक्षा की। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में अंजनी पुत्र बजरंग बली अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। राजा रामचंद्र ने परम धाम जाने से पहले हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया था, तब से वही भगवान राम का राजगाज संभाल रहे हैं, अयोध्या की सुरक्षा करते आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अयोध्या पर कभी भी कोई संकट आता है तो वो नाकाम हो जाता है। एक फिल्म भी इस पर ज्योति आई थी और उस फिल्म में आप देखिए दिखाया गया है कि कैसे इस वाटर कूलर के अंदर जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, इन स्क्रू को खोलकर बम अंदर फिट किया गया था और हनुमान जी वानर के रूप में बैठे थे किनारे, वहां से उन्होंने तार को नोचा और उसके बाद तार को काट दिया, बम डिफ्यूज हो गया और सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले। तो ये चमत्कार था। और गढ़ का मतलब होता है किला, हनुमान जी का ये किला और पूरी अपनी वानर सेना के साथ त्रेता युग से अनंत काल तक, जब प्रभु राम ने हनुमान जी को कहा कि आप तो सृष्टि के अंत तक आप रहेंगे और जहां भी राम कथा होगी अयोध्या की सुरक्षा आप करते रहेंगे।